यार, यूडी न्यूज में आपका स्वागत है। हम चलते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर एमपी यूपी से चलते हैं, खबरें देखते हैं विस्तार से। एवं अपने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के लिए न्याय के लिए वहां पे खड़े रहे, लेकिन आपने उसी दिन विपक्षी में डॉक्टर साहब बालेंद्र साहब का पक्ष लेते हुए वहां पे खड़े रहा, ऐसा क्यों? देखिए, भारत के संविधान में हर व्यक्ति के अधिकार और उसके कर्तव्यों का उल्लेख पत्रकार है। पत्रकार का दायित्व क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या है, आपदा आने पे उसको करना क्या है। अगर अवनीश तिवारी जी एक पत्रकार थे, उनके साथ मारपीट हुआ है, तो सबसे पहले उन्हें अपने संघ में जाना चाहिए, पत्रकारों से बात करना चाहिए, FIR करना चाहिए जी। ना कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को बुला के, किसी भी दल को बुला के वो आंदोलन कर दिए। इससे ये साबित होता है कि अवनीश तिवारी जी एक पत्रकार, जिम्मेदार पत्रकार नहीं है, बल्कि वह पूर्वाग्रस्त है। उनका कोई व्यक्तिगत डॉक्टर से मामला था, जिसको हाईलाइट करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने डॉक्टर के ऊपर प्राण घातक हमला किया, डॉक्टर के ऊपर मारपीट किया, जिसका हम लोगों ने FIR किया थाने में। डॉक्टर के साथ खड़े हुए हैं। आज आपको मालूम है कि विश्व महामारी चल रहा है, पूरे देश के लोग परेशान हैं, कोई डॉक्टर दवाई करने के लिए तैयार नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, डॉक्टर मरे जा रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में किसी डॉक्टर का ऊपर मारपीट करना क्या ये उचित है? नहीं, आपने अगर कोई डॉक्टर है, शासन में बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो गलत किया है, उसकी आप शिकायत करो, वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी शिकायत होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको सस्पेंड होगा। पर मार करने का अधिकार, मारपीट करने का अधिकार, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, किसी व्यक्ति को भारत का संविधान ये अधिकार नहीं देता। तो क्या उस मारपीट में आपके कांग्रेस के पदाधिकारी जुल्फिकार अली भी मौजूद थे? क्या उन्होंने भी मारपीट किया है? तो उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई अब तक? हर व्यक्ति एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल वो व्यक्ति है। कोई भी काम संगठन के माध्यम से करता है, संगठन के सारे व्यक्तियों को अवगत कराना, प्रमुख व्यक्तियों को अवगत कराना उसका व्यक्तिगत काम है। अगर कोई कांग्रेस का झंडा बैनर लगाकर कोई अपना निजी स्वार्थ हल करता है, व्यक्तिगत काम करता है, चोरी करता है, अपराध करता है, अपराधी करता है, लूटपाट करता है, तो कांग्रेस ऐसे लोगों को साथ न देगी न तो देती। क्या अब जुल्फिकार अली के साथ नहीं है? बस मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस पार्टी समुद्र है, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं। किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का बहुत सही, मैं उसके साथ हूँ। बहुत सही, अभी आपने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, तो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जुल्फिकार अली हैं, तो क्या आप उनके साथ हैं? व्यक्तिगत मामले में मैं नहीं हूँ। स्वतंत्र हर आदमी का अपना संगठन के बाद उनकी पर्सनल लाइफ है, किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। एक बात और, कांग्रेस का झंडा लगाकर कांग्रेस के लोगों को आप बताकर कोई कार्यक्रम करते हैं, आपके साथ कोई परेशानी होती है, जिस तरह अरुण अखिलेश सिंह जी ने कांग्रेस के हित में काम किया था, वोटर लिस्ट पे इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने वार्ड में लोगों का नाम जुड़वाओ, लोगों का नाम कटवाओ, उसके लिए प्रशासन के द्वारा नियुक्त दिए ले, इनको बुलाए और इन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके साथ मारपीट किया, आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, अभी आपने वहाँ पे लिखा हुआ था, एक बैनर भी बनवाया था कि पत्रकार दलाल हैं, तो आपके कांग्रेस पार्टी के जुल्फिकार अली भी मौजूद थे, लेकिन उनको तो आपने नहीं लिखा कि जुल्फिकार अली कांग्रेस के पदाधिकारी दलाल हैं। मैंने ऐसा नहीं लिखा, कोई गलत आपने देखा, दिखाइए पत्रकार। आपका बैनर है, आपका बैनर है, इसका चौथा स्तंभ है, मैं पत्रकारों को दलाल, आपने पत्रकारों को दलाल लिखा, पत्रकारों का इस देश के स्वतंत्रता में उनका सबसे बड़ा योगदान। नहीं दीदी, दीदी नहीं, इन्होंने लिखा तो मैं पूछ रहा हूँ दीदी, पत्रकार दलाल है ऐसा मैं कांग्रेस पार्टी ने कोई बैनर नहीं लगाया है, ना मैंने कोई बैनर लगाया है। आपने बैनर, हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन हुई है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, मैंने किसी पत्रकार को दलाल नहीं कहा। आपने बैनर के सामने लिखवा के वहीं पर नारेबाजी लगा रहे थे, आप जिम्मेदार नहीं है, आप सामने खड़े थे, यानी आपने नहीं लिखवाया? मैंने नहीं लिखवाया भाई जी, मैंने।